हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नई वीडियो अपनी फिजिक्स पे लेकर के आ रहे हैं जो कि आगे इसका कंटिन्यूएशन देगा। क्लास टेंथ की जो हम लोग की सीरीज चल रही थी उसी पे। तो क्लास टेंथ में हम लोग ने लास्ट टॉपिक किया था इलेक्ट्रिसिटी में, वो था कौन सा, वोल्टेज या फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा वीडियो में इनकंसिस्टेंसी हो गई थी क्योंकि थोड़ा सा बाकी भी चीज़ें लाइक कोचिंग अभी हैंडल करनी पड़ जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू हो गया था। कोशिश करेंगे हम कि रेगुलर थोड़ा इंटरवल पे फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ा पाएँ एंड मतलब बेस्ट करने की कोशिश रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग का सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता है कभी कभी, तो दिक्कतें थोड़ी सी हो जाती हैं, लेकिन आई होप आप लोग थोड़ा सा कमिटेड रहोगे हम लोग के प्रति। तो अभी स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस है क्या, इसको समझने के लिए हम ना थोड़ा सा बायो में जाते हैं, है ना। आप कहोगे बायो में क्यों ज़्यादा पढ़ाता हो, फिजिक्स रहे हो तो थोड़ा सा जाते हैं बायो में, है ना। बायो में देखो जाके हम समझेंगे क्या कि बेसिकली रेजिस्टेंस होता क्या है। तो इसको हम समझते हैं कैसे, जैसे अभी कोविड के टाइम चल रहे हैं, है ना। इससे पहले जब कोविड बहुत ज़्यादा पीक पकड़े हुए थे अपनी, तो उस टाइम पे आप लोग ने काफ़ी बार सुना होगा ना कि डॉक्टर्स हमारे एडवाइस क्या कहते हैं, आपका जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो कोविड से जल्दी थोड़ा सा फाइट कर सकता है, ज़्यादा फाइट कर सकता है, उसकी बॉडी ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा सकती है। इस तरह के आपने वर्ड्स सुने होंगे। तो डॉक्टर्स लगातार यूज़ क्या करते थे कि आपका इम्यून सिस्टम, अपने इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको क्या, लगातार आपको आपका रेजिस्टेंस बॉडी का जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या था डॉक्टर्स के, तो जब भी आपसे एक आता है कि आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या फिर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या होता है। देखो, इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है, सिंपली जब आपकी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर करना चाहते हैं, मतलब जैसे मान लो कोई कोई इन्फेक्शन है वो एंटर करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो वैसे ही जो आपके बॉडी के कुछ सेल्स हैं, अब उन सेल्स का नाम क्या होता है, WBCs, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स, वो क्या करते हैं उस इन्फेक्शन से फाइट करते हैं आके। अब ड्यूरिंग द जब वो फाइट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या, वो इन्फेक्शन को रोक रहे होते हैं। तो रोकना क्या होता है, रोकने से आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस जो होता है, या कह सकते हैं जो इम्यून सिस्टम होता है, बढ़ने लगता है। तो रेजिस्टेंस जो वर्ड है, इस सिंपल सा रेजिस्टेंस जो वर्ड है, इसका मतलब सिंपली क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, तो ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड जो होता है मतलब रोकना जो होता है बेसिकली, वो उसका कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस से थोड़ा सा संबंध है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी है तो बॉडी हमारी क्या करती है, इम्यून सिस्टम जो है उसका स्ट्रांग होता है, तो बॉडी रेजिस्टेंस शो करती है किसके प्रति, बेसिकली जर्म्स के प्रति या फिर डिजीजेस के प्रति, ठीक है। तो उसी चीज़ को अपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं थोड़ा सा लाके। तो इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपको याद हो, दो जो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मूव करते हैं, एक हम लोग के उसके अंदर एक वायर के अंदर किस तरह से मूव करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ मूव कर रहे हैं, दूसरी तरफ के सारे होल्स मूव कर रहे हैं। तो उस वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन में कोलिजन होता है, जहाँ पे हीट एनर्जी जो थी वो जनरेट होती थी। तो ये सब चीज़ें प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसी के आगे से हम स्टार्ट करेंगे। तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो इनके पाथ में ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, इनके पाथ में ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, और यही सारी ऑब्स्ट्रक्शन जो इलेक्ट्रॉन के पाथ में आती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसको आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो कि जब करंट चलता है तो करंट के पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं उसे भी हम रेजिस्टेंस ही कहते हैं, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट मैंने सिनोनिमसली क्यों यूज़ किए, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं जहाँ भी होता है वहाँ पे करंट होता है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन अपोजिट चलता है करंट के, या करंट अपोजिट चलता है इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन अपोजिट चलता है करंट के, एंड करंट जो है वो अपोजिट चलता है इलेक्ट्रॉन के। कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें हम लोग पीछे कर चुके हैं, अगर आपको देखना हो तो आप पीछे एक बार जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चल रहा है करंट, तो जितना करंट चलेगा आगे वो उसको क्या, ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ता है। जब भी कभी करंट हम लोग का वायर के अंदर मूव करता है तो उसको रुकावटें आती हैं, अड़चने आती हैं, या फिर कह सकते हो बाधाएं आती हैं। तो दैट बाधाएं, दैट अड़चने, दैट रुकावटें इज़ कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हिंदी के वर्ड्स हमने सिनोनिम्स यूज़ कर लिए, तो आप समझ सकते हो इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या होती है, द ऑब्स्ट्रक्शन offered in the path of flow of current, ठीक है। तो करंट की जो पाथ होता है उस टाइम जब वो फ्लो कर रहा है, उसके पाथ में जब करंट फ्लो कर रहा होता है, तो उसके पाथ में जो भी रुकावटें आती हैं, दैट ऑल रुकावटेज आर कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, ठीक है, रुकावटेज। चलो, तो अभी हम देखते हैं क्या रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला क्या होता है। रेजिस्टेंस का आपने बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। इसको हम थोड़ा सा आगे जाके भी चर्चा करेंगे कि V इज इक्वल्स टू आई आर कैसे आता है, ठीक है। तो इसको अभी तक लिए आप सिर्फ थोड़ी देख लिए सिर्फ इसको समझ लो कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, वेयर V हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I इज वॉट, इट इज़ द करंट दैट इज फ्लोइंग इन द वायर, एंड R इज वॉट, रेजिस्टेंस इन द वायर,
ठीक है। तो ये कुछ तीन चीज़ें होती हैं, ठीक। तो वो क्या होता है, ये फॉर्मूला जो होता है, इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसकी SI यूनिट भी लिख सकते हैं, है ना। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट भाई सब काफ़ी मालूम होगा, बच्चों ने पढ़ा होगा, दैट इज़ कॉल्ड ओम। तो ओम जो होती है वो किसकी होती है, SI यूनिट रेजिस्टेंस की होती है। अच्छा, ओम को हम क्या लिख सकते हैं, ओम कैन बी रिटन एज वोल्ट अपॉन एम्पियर। देखो यहाँ से करंट नीचे आ जाएगा तो वोल्ट अपॉन करंट हो जाएगा, तो वोल्टेज अपॉन करंट दैट इज वोल्ट अपॉन एम्पियर इज नोन एज ओम्स, ठीक है। तो यहाँ से आप ओम्स ऐसे लिख भी सकते हो, ठीक। तो अगर हमने इतना कर लिया तो एक चीज़ हम लोगों ने डिफाइन की थी, वन ओम, कौन सा ओम्स तो डिफाइन नहीं किया था, हाँ लेकिन हमने डिफाइन क्या किया था, वन एम्पियर डिफाइन किया था। काफ़ी हमने डिटेल में बात की थी कि वन एम्पियर कैसे डिफाइन किया था, एक्स एम्पियर भी आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, डिटेल में उसको हमने डिस्कस किया था। अगर आपको चेक करना हो तो आप फिर से अगेन वीडियो को चेक कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं चीज़। फिर हमने डिफाइन किया था वन वोल्ट क्या होता है, तो वन वोल्ट भी आप पिछले वाली वीडियो में देख सकते हो उसमें क्या था। तो उसी तरह से हम वन ओम को डिफाइन करना चाहेंगे, लेकिन ये हम डिफाइन नहीं करेंगे, आप लोग कमेंट में बताओगे डिफाइन क्या, मतलब उसकी डेफिनेशन होती गया वन ओम की, ठीक है। फिर भी अगली वाली वीडियो में इसको हम कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से कि वन ओम बेसिकली क्या होता है, ठीक। तो रेजिस्टेंस बेसिकली समझ आ गया, रेजिस्टेंस क्या होता है। अच्छा, एट लास्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। रेजिस्टेंस इज वॉट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, है ना। रेजिस्टेंस हो गया था, तो रेजिस्टेंस इज वॉट बेसिकली, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी, मतलब हर एक बॉडी के अंदर एक अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम तीन सब्सटेंस की बात करें, लेट से वी आर टॉकिंग अबाउट वुड, देन वाटर, देन कॉपर, तो इसमें आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा। एक बार वीडियो को पॉज करो, देन फिर कमेंट्स में आंसर करो कि किसका रेजिस्टेंस आपको सबसे ज़्यादा लग रहा है, वेदर इट इज़ द A1 और B1 और द C1, है ना। हो गया, पॉज कर लिया, नहीं किया एक बार करके करो आंसर, है ना। मतलब आंसर करोगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, और कमेंट्स भी आ जाएंगे। चलो वुड पे देखते हैं, वाटर देखते हैं, कॉपर देखते हैं, कौन सा किसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होने वाला है। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके आंसर किया होगा, नहीं किया होगा तो फिर ठीक है, बता देते हैं हम खुद ही। तो देखो वुड का क्या होगा, अच्छा सोचो, अगर वुड में हम करंट को चलाते हैं, मतलब अगर वुड में अगर आप करंट को चलाना चाहते हो, तो क्या लकड़ी में करंट कभी फ्लो होता है? द आंसर इज नो, बड़ा सा नो, है ना। वुड में तो करंट फ्लो नहीं होता है। अगर आप वाटर में फ्लो करना चाहो, क्या वाटर में फ्लो होता है करंट? हाँ भाई, वाटर में तो होता है, यस। और क्या कॉपर में फ्लो होता है? हाँ भाई, कॉपर भी होता है। अब अगर दोनों में ही करंट फ्लो होता है, तो अगर ये पूछेंगे भाई दोनों में तो फ्लो हो रहा है, लेकिन ज़्यादा अच्छे से किस में फ्लो हो रहा है, वाटर में और कॉपर में, तो ऑब्वियसली आंसर वुड बी कॉपर। इसमें ज़्यादा अच्छे से फ्लो होता है, क्योंकि कॉपर, तभी हम लोग कॉपर किस में यूज़ करते हैं, अपना नॉर्मल हम लोग जो वायर्स वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह हम लोग क्या पानी का भी यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस आने वाले, सबसे हाई रेजिस्टेंस आने वाले किसका होने वाला है, ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस क्यों शो करेगा, सबसे हाई रेजिस्टेंस होगा इसका। सबसे हाई रेजिस्टेंस क्यों होगा, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब ही होता है ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कितना ज़्यादा करंट को रोक पा रहे हो, जितना ज़्यादा करंट को आप रोक दोगे उतना ही रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। तो ये करंट को सबसे ज़्यादा रोक रहा है, ऑलमोस्ट जाने ही नहीं दे रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होने वाला है, और बाकी इन दोनों का आपको इसके कंपैरिजन में कम मिलेगा, ठीक है। और मुझे एग्जैक्टली भाई नहीं मालूम वाटर कितना होता है, कॉपर कितना होता है, आप टेबल्स वगैरह में देख के फैक्ट्स से चेक कर सकते हो किसका ज़्यादा किसका कम होता है, ठीक है। तो फैक्ट्स में हम नहीं जा रहे हैं, हम साइंस समझ रहे हैं, साइंस क्या है ना, फैक्ट्स इज़ नॉट साइंस। नीचे हमने काफ़ी बड़ा एक बड़ा फेमस कोट है कि फैक्ट्स जो होते हैं वो साइंस नहीं होती है, ठीक है। जैसे डिक्शनरी जो होती है वो क्या होती है, वो पूरी आपकी सिर्फ एक डिक्शनरी है, वो आपकी पूरी एक नॉवल नहीं है खुद में, है ना। तो डिक्शनरी इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही आपके फैक्ट्स जो है वो साइंस नहीं है, तो साइंस हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो साइंस हम देखते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल ले लिया। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, या उससे पहले बात कर लेते हैं हम ओम्स लॉ की, बड़ा फेवरेट सेक्शन है बच्चों का ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ जो होता है, ओम्स लॉ क्या होता है ना, ओम्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं हम लोग, ओम्स का सिद्धांत हिंदी में कहते हैं, ओम्स का सिद्धांत। तो कहते क्या है बेसिकली, ओम्स जो साइंटिस्ट हमारे, उन्होंने ये बताया कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मतलब आप जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसी एक वायर में बढ़ाते जाओगे, उतना ही ज़्यादा उसका करंट भी इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब अर्थ ये है कि अगर मान लो मेरे पास एक वायर ए बी है, यहाँ पे एक वोल्टेज लगा हुआ था, लेट्स से वोल्टेज था 12 वोल्ट का, ठीक है। यहाँ पे आपने एक बैटरी के थ्रू एक वोल्टेज एस्टैब्लिश कर दिया, तो वो 12 वोल्ट का वोल्टेज था, एंड इस टाइम पे करंट फ्लो हो रहा था, लेट्स से 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, वोल्टेज को यहाँ पे दुगना कर दिया,
मल्टीप्लाई बाय टू, दैट इज जस्ट डबल कर दिया। तो जैसे हम वोल्टेज को यहाँ पे डबल करेंगे तो नया वोल्टेज हमारे पास क्या आ गया, 24 वोल्ट्स। एंड नया करंट कितना हो जाएगा, अब अगर ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा, ये बात ओम्स ने बताई थी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक। तो अगर वोल्टेज डबल होता है तो करंट भी डबल हो जाएगा। फिर अब हमने क्या किया, किसी खुराफाती बच्चे ने कहा कि सर इसको आप कम कर दो, दोगुना कम कर दो। तो हमने कहा ठीक है भाई, दोगुना कम कर देते हैं, या चलो दोगुना नहीं लेते हैं, या दोगुना ले लें, या फिर नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा ना, चलो दोगुना ले लेते हैं। दोगुना इसको कम कर दिया, तो कम करने का मतलब माइनस नहीं होगा, दोगुना कम हो गया मतलब डिवाइड हो जाएगा बेसिकली। तो डिवाइड होकर नया जो वोल्टेज आएगा कितना हो जाएगा, दोगुना जब कम होगा तो ये फिर से आ जाएगा 12 वोल्ट, और ये कितना आ जाएगा दोगुना कम होने के बाद, आई विल बी इक्वल्स टू 2 एम्पियर। क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई दोगुना कम हो रहा है मतलब बेसिकली इसको 2 से दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, 2 से आप इसको डिवाइड करो दैट विल बी 12, एंड 2 से इसको डिवाइड करो दैट विल बी 2 अगेन, ठीक है। तो ये जो बेसिकली चीज़ हो रही है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना आप इंक्रीज करते जाओगे उतना करंट इंक्रीज होता जाएगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करते जाओगे उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। अब इस चीज़ को आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन है ना, ये क्या है, ये एक डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको सिंपली हम कह देते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथ्स में काफ़ी बारे वर्ड सुनते होंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा मैथ्स में पता नहीं मुझे कि आप लोग ने पढ़ा होगा चैप्टर कि नहीं, अगर नहीं पढ़ा हो तो फिर है ना, आप लोग जानते हो क्या करना है, कमेंट में बताना है, हम उसे वीडियो बनाएंगे है ना। चलो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, आप इस चीज़ को यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि भाई ओम्स का जो लॉ था वो बेसिकली लॉ क्या कहता है, ठीक है। तो लॉ ये कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस established across the terminals of a conductor is directly proportional to current flowing through इट, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाते हो वो कैसे होता है, टर्मिनल्स के अक्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना उससे करंट फ्लो हो रहा है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो करो कैसे, अगर आपसे पूछा जाएगा डिफाइन ओम्स लॉ, तो पहले आप ओम्स लॉ को डिफाइन करोगे, देन आप लिखोगे क्या कि वी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, ठीक है। ये पहले डिफाइन करोगे देन इसको लिखोगे, ठीक है। डायरेक्टली बच्चे इसको लिख के आते हैं या फिर इसको लिख के आते हैं, वो उसका सही आंसर नहीं, ठीक है। ओम्स लॉ आता है, बच्चे फट से लिख देते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या फिर और अगर चालाक बच्चा है तो फिर क्या लिख लेगा, वी इज इक्वल्स टू आई आर लिख देगा, और कहेगा भाई मैंने तो सही किया था, सर ने काट दिया है ना। तो सर ने नहीं काटा, सर ने पूछा है ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ पहले ये लॉ है एंड देन ये उसका मैथमेटिकल एब्रिविएशन है, मतलब उसका शॉर्ट है बेसिकली, मैथमेटिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप सभी जानते हो, स्मार्ट बच्चे हो, सभी लोग जानते हो कि भाई जब एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन, ये जो बना हुआ है अल्फा जैसा, ये है प्रोपोर्शनलिटी का साइन, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या है, आर, और ये रहा इक्वल टू, दिख रहा होगा, तो ये कांस्टेंट आर आया और यहाँ पे एक इक्वल टू आया, तो फॉर्मूला हमारे पास वी इज इक्वल्स टू आई आर यहाँ पे बन जाता है, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था पहले, ठीक है। तो वी इज इक्वल्स टू आई आर यहीं से आता है, यहाँ पे जो सेम चीज़ें हैं, दैट इज वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज द करंट, आर इज द रेजिस्टेंस, वो सेम चीज़ें वैसे ही हैं सारी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग की रहती है। अब कुछ ऐसे हम लोग के कह सकते हो आप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे हम लोग की चीज़ें होती हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं, द मटेरियल विच ओबे ओम्स लॉ, ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे ओमिक मटेरियल्स या फिर ओमिक कंडक्टर्स कह सकते हो, ठीक है। तो ओमिक मटेरियल्स या फिर ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और जो फॉलो नहीं करते हैं डोंट ओबे, है ना, ये बदमाश वाले बच्चे हैं जो फॉलो नहीं करते हैं, जो फॉलो नहीं करते उनको क्या कहेंगे हम, नॉन ओमिक, ठीक है। तो नॉन ओमिक कंडक्टर या फिर नॉन ओमिक मटेरियल्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा ओमिक के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ओमिक एग्जाम्पल हो सकते हैं कॉपर, ओमिक का एग्जाम्पल हो सकता है गोल्ड, ओमिक का एग्जाम्पल हो सकता है सिल्वर, एंड सो एंड सो ऑन, ठीक है, आयरन भी हो सकता है, जो ओबे नहीं करते हैं, नॉन ओमिक। नॉन ओमिक में क्या होगा, एक हम बताते हैं आपको, एक होता है डायोड, है ना, एक होती है डायोड। तो
तो डायोड जो होते हैं वो जनरली हम लोग के नॉन ओमिक होते हैं। दूसरा आप हमें बताओगे, ठीक है, कहाँ पे? कमेंट में। तो बहुत सारा हमने होमवर्क दे दिया है कमेंट में, कमेंट में लेकिन करोगे जरूर, है ना, ऑनेस्टली करना जरूर। तीन चीज़ें हमने दी लेकिन तीन चीज़ें मुझे याद नहीं क्या दिया था, आप कमेंट में करोगे तो मुझे याद रहेगा, ठीक है। चलो तो इतना समझ में आ गया, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है।